इतना तो बेताबी गर्लफ्रेंड के लिए भी नहीं होती जितनी मित्रों के लिए है। दौड़ भी लगते हैं मेट्रो स्टेशन पे पकड़ने के लिए। आज सीट से जरा से उठ जाओ तुरंत दूसरा बैठ जाता है। तीन बोगीज हैं और उन्हीं बोगीज में आपको मैनेज करना है, सो देयर इज नो सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर फीमेल। इसीलिए मैं मसाला खाता हूँ, ठीक है, मेरे मुंह में है नहीं है, बाहर सब साफ करके आया हूँ क्योंकि मुझको क्लीन रखना है। दैट्स द स्पिरिट। ये किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। आज का सफर और आज की नजर कानपुर मेट्रो से, ऐसा लग रहा है दिल्ली में ऑफिशियली तो मेट्रो वाले हो गए हैं। जी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। ये है कानपुर मेट्रो का कॉन्कोर्स यानी कि लिफ्ट सिस्टम। ऊपर से नीचे आना हो या नीचे से ऊपर जाना हो, यू कैन। पीटी कराते हैं, पीटी ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं जी। खुल गया, की टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक है। और आपको यहाँ फैसिलिटीज में कॉनकोर्स मिलेगा, पानी मिलेगा, वॉशरूम्स मिलेंगे, लिफ्ट मिलेगी, डिसेबल्स के लिए चीज़ें मिलेंगी और फीमेल के लिए अलग से कोई का बोगी नहीं है, कंपार्टमेंट नहीं है फिलहाल। तो प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइबर, ये भी एक सब्सक्राइबर फैमिली के हिस्सा है। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह, आज भी मेट्रो के इंतजार में। यस यस यस। यार 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 यार, सिटी 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 हो सकता है आपको थोड़ा इरिटेट करे कानों में, लेकिन मजा भी इसी सिटी का है। जब तक सिटी नहीं आती तब तक गाड़ी नहीं आती है, और गाड़ी नहीं आती तो सिटी नहीं आती, दोनों का कोरिलेशन है। मुस्कुराइए, आप कानपुर मेट्रो में हैं। जब जब मेट्रो में आप धचका खाएं तो समझ लीजिए नारंगी वाला हैंडल आपको थामना है। दिस विल होल्ड यू। आई गॉट अ सब्सक्राइबर फैमिली इन दिस मेट्रो ऑन द सेकंड डे ऑफ माय जर्नी। लगता है कि ट्रैफिक जैम की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज कानपुर इज ओवर पॉपुलेटेड इन यूपी। जाम से बात चलेगी, बहुत खुश है अभी तो, एंजॉय कर रहे हैं। गुरु गुरु गुरु, मैं भी हूँ यार, मैं भी हूँ, सेल्फी में नहीं प्रेम में। ये चश्मा बहुत कमाल है, मेट्रो कमाल है, चश्मा बहुत कमाल है। अरे ये बता दो मुझे, पहला दिन है कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, और योगी और मोदी जी को सा धन्यवाद है। अच्छा, बिल्कुल दिल से, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार योगी सरकार। अच्छा एक बात, एक ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम कानपुर वाले मेट्रो वाले हो गए हैं, इसलिए इसको साफ रखने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की कानपुर मेट्रो की है उतनी हमारी भी है। तो ये वादा करिए, ये वादा करिए कि साफ साफ रखेंगे। ये नया इंडिया है, नया कानपुर है, नई मेट्रो है। जितनी मेहनत सरकार कर रही है उतनी मेहनत हम लोग, हमको और आम जनता को भी करना है। देखिए, इसीलिए मैं मसाला खाता हूँ, ठीक है, मेरे मुंह में है नहीं है, बाहर सब साफ करके आया हूँ क्योंकि मुझको क्लीन रखना है। दैट्स द स्पिरिट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर प्योर 100% प्योर कानपुरिया
इसी जेस्चर के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ मेट्रो में ट्रैवल करें। कहने का मतलब यही है, सरकार जितना कर रही है आम जनता के लिए, आम जनता को भी सरकार की उतनी ही मदद करनी चाहिए। आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो कानपुर मेट्रो? इसमें तो पहली बार। कैसा लग रहा है आपको? ईमानदार कानपुरी अंदाज में बताइए। हम केवल मेट्रो में ही बैठने आए हैं। ये देखिए 100% ईमानदार भी नहीं। कहीं मुझे जाना नहीं था, सिर्फ मेट्रो में ही सफर कर रहा हूँ। प्योर कानपुरी, आर सो मच एक्साइटेड अबाउट द मेट्रो। भाई दिल्ली में तो हमेशा जाते आते, कम से कम यहाँ अपने यहाँ तो घूमे। अनदर सब्सक्राइबर्स, हाउ वॉज द यस्टरडेज वीडियो? कैसा था कल का वीडियो? थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। चूंकि नया नया सुरूर है, इसलिए जितना इस मेट्रो में धचके खाने में मजा आता है, उतना सीट पर बैठ के आने में नहीं आता है। सही कह रहा हूँ ना? खड़े होने में जो मजा है वो बैठने में नहीं है। क्या कहा? सही कह रहा है। धचकों का भी मजा लाइफ में बहुत जरूरी है। सो हाउ इज एक्सपीरियंस? वेरी गुड, गुड। विक्रम टेम्पो, रिक्शा, रेल, सीधे विक्रम टेम्पो से मेट्रो पे आ गए, मतलब कुछ ज्यादा ही ज्यादा अपग्रेड हो गया। मजा आ रहा है ना? अब वो कानपुर की जो गुटका वाली हिम्मत थी, उससे अब हम नए कानपुर मेट्रो वाले कानपुर हो गए। लगता है कुछ बदलेगा, बदलेगा। तो हमारे पास चचा भी है। चचा आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए, दिल खोल के बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मेट्रो में। अच्छा, टेम्पो बंद होना चाहिए। टेम्पो बंद होना, बिल्कुल टेम्पो हटना चाहिए यहाँ से, कल्याणपुर से। जो लोग टेम्पो वाले हैं वो क्या करेंगे फिर? आईआईटी के आगे नारामोल से आगे जाए, अपना सिटी में प्रवेश एंट्री न करें, बहुत जाम लगाते हैं। आपको दिली तौर पे मजा आ रहा है इसमें? बहुत बढ़िया, साधन के तौर पे बहुत बढ़िया। पहली बार बैठे हम नाने पर। इनका एक एक्सपीरियंस है कि इन्होंने कल मेरा वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद इतना ललचा गए कि ये मेट्रो में केवल घूमने के लिए आ गए। तो अंकल, व्हाट्स योर नेम? एंड माय नेम इज भोजराज। एंड व्हाट्स योर एज? 64। 64 का मतलब मामला है और कह नहीं सकते कि ये बुजुर्ग है, अभी तो दिल जवान है ना? Am I right? So, कैसा लग रहा है पहले तो? बहुत बेहतरीन। अच्छा, आपको लगता है कि हम ऐसा लग रहा है दिल्ली में ऑफिशियली तो मेट्रो वाले हो गए हैं जी, जी। है ना? लगता है कुछ कानपुर में बदलेगा? नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जी, मतलब बड़ा फील होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कानपुर को कि कानपुर गुटखा, गंदगी और गंगा को लेकर बड़ा बदनाम होता है। मैं कहता हूँ, हम क्यों नहीं प्रण लेते हैं कि जितनी जिम्मेदारी इस मेट्रो को साफ रखने की प्रशासन और सरकार की है, उतनी हमारी आपकी भी। हम घर अपना साफ रखते हैं, इस मेट्रो को भी साफ रखें, तो क्या हमारा कानपुर और आगे ऊपर और ऊपर नहीं हो सकता है? बिल्कुल, है ना? वो तो हम ही लोग हैं जो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सो आई थिंक जाम से निजात मिलेगी। बिल्कुल, थैंक यू लॉर्ड, थैंक्स यू लॉर्ड अंकल। मैं तो स्कूटर से ही जाता हूँ, लेकिन आज मन हुआ कि कल आपका वीडियो देखा, मैंने कहा मेट्रो से ही जाऊंगा। थैंक यू अंकल, थैंक्स। हेलो, हाँ।